Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rama. Happy birthday to you. ये रशियन सैलेड, ये पनीर टिक्का और ये है मंचूरियन, ये है हरा भरा सलाद है कि क्या बोली थी पता नहीं, नाम नहीं मालूम, और ये है बेबी चिल्ली और ये ग्रीन चटनी। मेरे प्लेट में इतना है। हे गाइस, वापस से एक नए व्लॉग में स्वागत है। आज के इस व्लॉग में मैं बर्थडे पार्टी वाला बहुत सारा वाइब दिखाने वाला हूँ। वैसे मैं मतलब बहुत सारा व्लॉग करता रहता हूँ, लेकिन डेली का मैं दिखा नहीं पाता हूँ, क्योंकि ऐसे मतलब डेली उसी चीज़ को दिखाने में अच्छा लगता नहीं है। वैसे आज अपना मित्र डॉक्टर रामानंद यादव का बर्थडे है, तो पार्टी दे रहा है, तो सारे बेसमेंट लोग सभी जाने वाले हैं। अभी जाएंगे अशोका बिरयानी शायद, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको व्लॉग में। कैसे नीतीश, चलने को रेडी है ना? हाँ भाई, मैं तैयार। और बाकी भाई लोग इधर रेडी हो रहे हैं, कार्ड से लेके सारा चीज जुगाड़ हो रहा है बर्थडे बॉय का। देख रहे हो, बिल लंबा पेमेंट करेगा, इतना लंबा पेमेंट करेगा इतना। आज ही स्टाइपेंड भी डला है ना। तैयार होएगा फिर चलेंगे। तो चलेंगे गाइस, अभी सीधा पार्टी प्लेस पे जाके मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे तो पता चलेगा कौन कौन आ रहे हैं। चलो वहीं सब केक कटेगी और जो भी आगे का बर्थडे सेलिब्रेशन है सब वहीं करेंगे। हम लोग तो वैसे रात में मना लिए थे यहाँ बॉयस लोग, और हम लोग ना स्पेशली उनको दाई जी बोलते हैं। दाई जी मतलब छत्तीसगढ़ी में यहाँ पे माँ को बोलते हैं। नीतीश अच्छे से बताएगा क्यों उसको हम लोग दाई जी के नाम से बुलाते हैं। क्या केयर करने वाली, सबका ध्यान रखने वाली, और साफ सफाई, लेट से नहाए, साफ सफाई में एकदम दूसरे साफ सफाई न करे, चमकाने वाली, ये सब है क्वालिटी उसमें, इसलिए नाम है। हाँ, इसलिए हम लोग दाई जी बोलते उसको प्यार से। हॉस्टल में हम लोग जब साथ में रहते थे ना, तभी से हम लोग दाई जी बोलते थे। तो ऐसा ही है कुछ, मतलब अपना मनपसंद का नाम किसी ना किसी दोस्त को रख लेते हैं, ऐसे सबका मतलब कोडिंग नाम है। हम लोग ना दोस्त के बर्थडे में गिफ्ट नहीं देते हैं। कैसे है? लात से, लात वाला गिफ्ट, लात वाला मारते हैं, क्योंकि प्यार होता है भाइयों का। हाँ, हॉस्टल में अच्छा लगता है, हॉस्टल से स्टार्ट किया तो लगता है कि वही परंपरा को अभी आगे भी फॉलोअप कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। दूसरे दिन बताते हैं, फिर महानारायण तेल से उनका मालिश भी कर देते हैं। नाम क्या लिखवाएंगे केक में? कल तो हो गया, ये अपना चॉकलेट ही डिसाइड हो गया है, ये वाली। लो अभी अपना गाड़ी सब पार्किंग हो गया। आज का डिनर होगा अशोका बिरयानी में। ये लोग जा रहे हैं अभी, इनको गार्ड कैसे सलामी टोकते देखोगे। अरे देखो, नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार। अब मेरी बारी, मैं चलता हूँ। हम लोग का यहाँ पे जगह ही डिसाइड नहीं हो रहा है, कहाँ ऊपर देंगे नीचे देंगे। कितना मस्त लोग वहाँ एकदम बैठ के खाना खा रहे हैं। इसके बगल में एक सेक्शन है उस तरफ, उधर में फैमिली से लेके सारे चीज़ बैठ के खाते हैं, उधर स्पेशल टेबल बुकिंग होता है। लोग जगह डिसाइड कर रहे हैं आगे में। ये सेकंड सेक्शन है और मस्त एकदम फोटो एकदम मस्त से सजाया हुआ है, यहाँ सारे फैमिलीज खा रहे हैं, फैमिली वाला है ये। हम लोग का जगह ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है गाइस, 15 लोग हो रहे हैं, 15, और लगभग हाउसफुल है, बहुत सारे पार्टीज चल रही है यहाँ पे। तो आज शायद हम लोग के लिए एक साथ जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक साथ नहीं बैठेंगे ना तो मज़ा भी नहीं आएगा। अभी मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, केक को पकड़ के कहाँ इधर उधर घूमते रहूँगा भीड़ में, इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ। जगह डिसाइड होगा फिर उसके बाद बताना बोला। नज़ारा इस तरीके से है यहाँ पे, बाहर एकदम मस्त एरिया है, यहाँ पे बैठने के लिए भी है। इधर भी बर्थडे चल रहा है लगता है, पहले से बर्थडे सेलिब्रेशन कर ले दे के। हम लोग का जगह डिसाइड हो गया यहाँ पे, और ये भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कैसे रोशनी? शोर शराबा है यहाँ, म्यूजिक चल रहा है बढ़िया सा, और कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और मैं कहाँ पे बैठा हूँ पता है? यहाँ पे जहाँ पे लाइट भी नहीं है, पंखा नहीं है, तो उधर बाकी तरफ में लगा हुआ है। इधर पसंद आ रहा है कि नहीं? जगह पसंद नहीं है। हमारे मित्र लोग और आ रहे हैं, उन लोग को नमस्ते कर लिए, नमस्ते। दोनों बहनी लोग आ गए थे। हाय हाय।
पैर पड़ रहा है बड़े दिनों के बाद डीएच में इन लोग का ड्यूटियाँ ना मिलता जुलता है नहीं, देख रहे हो कैसे कैसे मिल रहे हैं एकदम खुश रहो खुश रहो बड़े लोगों का पैर पड़ते हैं। उसके बाद क्या समझ में आता है उसको मंगाएंगे। कैसे रोशनी तुम लोग, क्योंकि बहुत बार रीडिंग कर चुके होंगे तुम लोग को पता होगा सिलेबस में क्या क्या रहता है। ये देख सिलेबस पढ़ लेना, उसके बाद हम लोग को समझा देना। हाँ ये तो बियर है, हाथ में देना, हाथ में, हाथ में देना, दोनों लोग दो ना। बबीता दीदी का एंट्री हो गया। अशोका बिरयानी के ऊपर में आ गए एकदम छत पे। यहाँ पे शायद अलग से पार्टी वर्टी चलती होगी, एकदम रूफ टॉप टाइप का है। और यहाँ भी केक कटने के लिए पूरा रेडी कर चुके हैं। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं स्पार्कल नहीं है तो लेने गए, नीचे में वेटर निकाल दी थी। बर्थडे नहीं मनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं सामने घुस गया क्या? कितने साल के बुड्ढे हो गए? आधा उम्र चला गया है, आधा बच्चा। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। ये लो, समझ के काम आएगा। मार्क्सिस क्या लगता है? क्या जो लगता है वही बोल रही हूँ। और ये है बेबी चिल्ली और ये ग्रीन चटनी। मेरे प्लेट में इतना है। करते करते पार्टी सार्टी करते करते बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, मैंने शूट नहीं किया। और वैसे अभी सुबह उठते ही हम लोग का हॉस्पिटल का ड्यूटी रहता ना, तो फिर सुबह भी नहीं कर पाया। तो अभी मैं ड्यूटी सब कंप्लीट करके आने के बाद मैं सेकेंड हाफ में ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और बहुत दिनों के बाद अपने जो बैचमेट दोस्त है वो सारे लोग के साथ मिलने का मौका मिला। हालांकि बाकी लोग नहीं थे, जितने थे उतने में मतलब मिल के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ चल रही है अभी 6 महीने तक। और हम लोग का अपना कॉलेज कैंपस से जो अटैच है हॉस्पिटल आयुर्वेदिक, उसी में हम लोग की ड्यूटी चल रही है। गाइस यदि आपको इस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और पसंद आता है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करते हुए चले जाइएगा। और
ये वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए गाइस, मिलते हैं एक अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।